दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों बिजली के तार पर बैठे पक्षी को करंट नहीं लगता? क्यों जन्मदिन पर मोमबत्ती को बुझाया जाता है? और वह कौन से देश हैं जहां YouTube पूरी तरह से बैन है? तो दोस्तों, ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हम अपने चारों तरफ कई पक्षियों को बिजली के तारों पर बैठा हुआ देखते हैं, और हम में से कई लोग सोचते हैं कि इतनी हाई वोल्टेज लाइन होने के बाद भी इन पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता है? इतना करंट होने के बाद भी पक्षी बड़े आराम से इन तारों पर चढ़ते उतरते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की वजह को। दोस्तों, बिजली के चालक के अंदर बहुत से इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर गति करते हैं, और जब भी ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तब बिजली का प्रवाह होता है। ये इलेक्ट्रॉन हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए एक सर्किट का पूरा होना जरूरी होता है, और अगर ये सर्किट पूरा नहीं होता है तो करंट नहीं लगता है। इसी वजह से पक्षी हाई वोल्टेज वाली बिजली की तारों पर भी आराम से बैठे नजर आते हैं, क्योंकि जब पक्षी खुले तारों पर बैठते हैं तो उसका संपर्क उस तार के अलावा किसी और वस्तु से नहीं होता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन अपना सर्किट पूरा नहीं कर पाते हैं और वह बिना बाधाओं वाले रास्ते से होते हुए आगे बढ़ जाते हैं, और यही कारण है कि जिस वजह से पक्षियों को करंट नहीं लगता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर कि आखिर जन्मदिन पर मोमबत्ती को क्यों बुझाया जाता है। दोस्तों, इस परंपरा की शुरुआत उस समय हुई थी जब ग्रीस के लोग केक पर जलती हुई मोमबत्तियां लेकर अपने भगवान के पास जाते थे। भगवान के पास पहुंचकर ये लोग मोमबत्तियों से ग्रीक भगवान का चिन्ह बनाते थे, और चिन्ह को बनाने के बाद इन मोमबत्तियों को बुझा दिया जाता था। दोस्तों, बहुत सी संस्कृतियों में माना जाता था कि कैंडल बुझाने के बाद उसका धुआं लोगों की प्रार्थनाओं को भगवान तक पहुंचाता है, इसीलिए लोग बर्थडे केक पर लगी कैंडल बुझाने से पहले कोई ना कोई विश जरूर मांगते हैं, जिससे कि उनकी बात धुएं के माध्यम से भगवान तक पहुंचे और उनकी मनोकामनाएं पूरी हो। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पर कि आखिर यूट्यूब किन किन देशों में बैन है। दोस्तों, विश्व के बड़े देशों में से एक चीन में यूट्यूब आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2009 से चीन ने यूट्यूब पर बैन लगा रखा है। चीन के साथ ही कुछ अन्य देश और भी हैं जहां यूट्यूब बैन है, जैसे कि उत्तरी कोरिया, दक्षिण सूडान, ईरान, सीरिया। इनके अलावा कुछ अन्य देश और भी हैं जिन्होंने समय समय पर टेम्परेरी और परमानेंटली यूट्यूब को बैन किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।